फरिश क्या करना चाहता है माधुरी को किडनैप. कौन है वो ये बताने आ रहे हैं भारती एज माधुरी एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स. सत श्री अकाल, की हाल चाल? पंजाबी हो गई. वदिया जी वदिया, क्या सुनाएंगी आप? आपके बाप की नौकर लगी हो क्या? मुझे पहचाना? सेम ड्रेस. आप सबकी प्यारी सी माधुरी. हाय श्रुति, बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं आप. अब इस शो में मुझे आपको देने के लिए नंबर भी नहीं है. एक मिनट. मैं भूल ही गई थी, एक नंबर तो हमेशा मेरे पास रहता है. आपको देती हूँ मैं 6 नंबर. तो डॉक्टर साहब भी मेरे बिना रह नहीं पाते. हाँ जान, मिस यू टू बेबी. वाओ, कांग्रेचुलेशन, 12 नंबर पेशेंट ठीक हो गया. सो स्वीट, आपके हाथों में जादू है. एक मिनट होल्ड कीजिएगा. लेकिन मेरे पति को पैसा ही नहीं कमाना आता. हॉस्पिटल में लोग जाते हैं 20-20 दिन डॉक्टर रख लेते हैं, ये उसी दिन ठीक करके भेज देते हैं. मैं इनको समझाती हूँ. हाँ जान, प्लीज वो 12 नंबर वाले पेशेंट को 2.5 दिन रोक ले और बिल ठोक ले. मुबारक हो, आप किडनैप हो चुकी हैं. थैंक यू, आपको देती हूँ मैं परफेक्ट 10 नंबर. क्या सच में हम किडनैप हो चुके हैं? तेरी माँ की 2.5 आँख 2.5 तेरी माँ की 2.5 आँख 2.5 आँख. गाली नहीं देना. देखिए, आपको पैसे चाहिए ना? हाँ. मेरे पति से बात कीजिए, वो पैसे आपके मुंह पे मारेंगे. एक मिनट, नाच के टाइम मत वेस्ट कीजिए, बात कीजिए. बेल बज रही है ना? अच्छा. हेलो. हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बीवी मेरे कब्जे में है. हाँ अजीब है डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूँ आपकी बीवी मेरे कब्जे में है तो दोस्तों को चिल्ला रहे पार्टी पार्टी. मुझे एक बार यहाँ से छूटने दो. डॉक्टर साहब 2.5 मुक्के पीठ पे दे, पीठ पे दे. देखिए, आपको पैसे चाहिए ना? हाँ? तो मेरे किसी भी हीरो को फोन कर दीजिए. अनिल को अभी के अभी फोन लगाइए, आपके पैसे मुंह पे मार के जाएंगे वो. उनका नाम नहीं लेना. क्यों? उसने इतना दुखी करा, एक बार पुलिस मेरे पीछे लग गई, मैं भाग के झाड़ी में छुप गई. बाहर निकली तो पता चला झाड़ी नहीं अनिल की छाती है. मैं बाहर निकली, मेरा हाथ फंस गया. मैं हाथ निकाला तो कहता गोंडिया झकास. अच्छा एक बात बताओ. हाँ. फिल्म डेढ़ इश्किया में किसने अच्छा काम करा, तुमने या हुमा ने? ऑफ कोर्स हुमा. बताओ कि मैंने ही अच्छा काम किया. कहता ये एक अकीका करती है. मैं माधुरी दीक्षित हूँ और कहीं भी कोई भी चैनल लगाएंगे मेरा ही गाना चल रहा होगा. घाघरा तो देखो हमारा फेमस हुआ था ब्रेकिंग न्यूज पे. क्यों? हमने पहना ही नहीं था. देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे बहुत सारे शोज में जाना है. देखो हाथ न जोड़ो, मैं बहुत गंदी लगाऊं हूँ. तुम तो औरत हो, मर्दों के साथ तो मैंने वल्गर मौत मारी है. वो कैसे? कच्चे में बम फंसा देती हूँ. लेकिन शक्ति को नहीं मार पाई. क्यों? कच्चा पहनता ही नहीं, पहना बनाएगा. हमने कहा कच्चा पहनो, मुंह पर डाल दिया कच्चा. छोड़ो ना, वो तो पागल है. हाँ तो अपने मुंह पर डाले, पागल है तो साला हमारे मुंह पर क्या डाल रहा है? आप मेरे पति को एक बार फिर से फोन लगाइए. हाँ? कुछ तो गलत सुना होगा. हाँ अभी मिलाते. हेलो डॉक्टर साहब, आपकी बीवी मेरे कब्जे में है. मैं कह रही हूँ आपकी बीवी मेरे कब्जे में, कह रहे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर. देखिए मैं माधुरी दीक्षित हूँ, अगर माधुरी दीक्षित को गुस्सा आता है तो आपको पता है कि माधुरी दीक्षित क्या करती है. क्या करती है? परफेक्ट डांस. तो करो, तो मजे वाली बात है. Thank you.
चला। ए बुढ़िया, सच सच बताओ कि मेरा किडनैप किसने करवाया है? अब ये तो तभी पता चलेगा जब मैं अगले करेक्टर में नसीरुद्दीन शाह बन के आऊंगी, तो नसीर साहब ने किडनैप करवाया है ये बता के सस्पेंस तो खत्म करूंगी नहीं मैं, वो तो क्लाइमैक्स है। अभी जाते हैं। नसीर साहब की इस हरकत के लिए मैं देती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कॉमेडी सर्कस में आके टेलीविजन की दो महान जज अर्चना और माधुरी एक साथ बैठी हैं। लेकिन अर्चना आज भी फेमस माधुरी है। एक्चुअली मेरी और अर्चना की काफी बातें बहुत मिलती जुलती है। मैंने बहुत काम किया है और अर्चना ने भी बहुत घर में टाइम बिताया है। लेकिन किसी भी फिल्म की मैं प्रमोशन करने जाती हूँ उसकी बात तो होती है, साथ में हम आपके कौन को बहुत याद किया जाता है। सब लोग मुझे कहते हैं माधुरी मैम बहुत अच्छी लगी, सलमान बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैम वो टफी दोबारा नहीं दिखा। आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे बताते हुए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा टफी आज इतने बड़े शो का एंकर है। जोरदार तालियां। वाह श्रुति, वैक्सिंग के बाद बिल्कुल नहीं पता चलता कि टफी तुम बनी थी। बस इब्ने बतूता बगल में जूता, पहने तो करता है चुर। अरबाज भाई नहीं नहीं आपकी नहीं कर रहा हूँ, मेरी है। इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुशी लाला के अलावा आज मैं माधुरी दीक्षित को मारना चाहता हूँ। क्या? क्यों भैया? डेढ़ इसका फिल्म में मेरा मेन रोल है, उसमें डेढ़ मेरे होंठ हैं, एक ये और एक ये। अच्छा तो आज दवाई का दवाई और कैप्सूल का कैप्सूल होके रहेगा। क्या मतलब है, कौन सी कहावत है ये? डॉक्टर की बीवी हूँ, हमारी कहावतें ऐसी होती है। देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्यों नहीं लेकर आई प्रमोशन में, यही बात का पंगा है। जानना चाहते क्यों नहीं लेकर आई? ओ रुकिए, इस वजह से। क्योंकि आपका डेब्यू अर्चना के साथ था। चलवा में कहा हीरो ने कि आओ रोमांस करते हैं, ये कुश्ती के लिए तैयार होगी। देखो सही बात है, पहले मेरा मुंह नॉर्मली बात करता था, मेरे मुंह पर डंबल मार के मुंह ऐसा कर दिया। डेढ़ इश्किया में मैंने माधुरी के साथ काम किया, विद्या बालन के साथ डर्टी पिक्चर में किया, लेकिन जलवा मुझे अर्चना ने दिखाया। प्रमोशन पे वही लोग आते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, जैसे मैं, मेरी सुपर हिट एक्टिंग, मेरी सुपर हिट अदाएं और मेरा सुपर हिट डांस। बस डांस हमें भी आता है और बराबर आता है। इसी सब आप और डांस, डांस तो हम करके रहेंगे। कुछ शर्म आनी चाहिए, आप कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? ओ, हो, 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 मात दे दी हम आपको। हेलो ओ बेटा, ये तेजाब जैसी आवाज में क्या पुकार रहा है मुझे? यही पुकार रहा हूं कि एक डर्टी पिक्चर के लिए मैं सरफरोश बना था, लेकिन ये मैं कोई मोहरा नहीं हूं। देखिए मुझे लगता है आप खलनायक बनना चाहते हैं। अगर आप खलनायक बने तो आपका अंजाम देवदास जैसा होगा, नहीं यकीन तो दिल से पूछ लीजिए क्योंकि दिल तो पागल है। वेडनेसडे से पूछता आ रहा हूं। आज तक कोई जवाब नहीं मिला, सोचा कोई चमत्कार होगा लेकिन जैकपॉट तक नहीं लगा। देखिए अगर आपने ऊंची आवाज से बात की ना तो मैं उड़ के लात आपके राम लखन पे मारूंगी। और आप किसी के साजन नहीं बन पाएंगे, फिर सबसे पूछते रहेंगे हम आपके हैं कौन।
बस बाकी की फिल्में ये लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे. फिलहाल आप बताइए कॉमेडी सर्कस की माधुरी दीक्षित और शुरुदीन कैसे लगे? तो क्या कहेंगे आप हमारी कॉमेडी सर्कस की माधुरी और नसीर के बारे में? वैसे आपकी मुस्कान बहुत अच्छी. एक बार और दिखा दीजिए मुझे भारती जी. डिटो आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल. आई थिंक ये माधुरी ज्यादा सुपरहिट है. और नसीर साहब सिद्धार्थ माय गॉड, आपने उनकी जो पेक्यूलियरिटीज हैं, जो उनकी बात करने की ढंग में, आपने उसको ज्यादा एग्जैजरेट करके इतना फनी बना दिया. इट वॉज सो गुड. आप दोनों की टाइमिंग और कहीं पता भी नहीं चला कि यू नो हाउ द टाइम जस्ट वेंट बाय. हम लोग बस हंसी रहे थे और फैंटास्टिक. तो मैं कहूंगी परफेक्ट. सीरियसली व्हाट अ कपल सिद्धार्थ. बट आपने उनकी तरह डांस करना कैसे सीखा? क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही डांस करते हैं. उनके हाथ में एक गमछा होता है तो ऐसे ही घुमा घुमा के डांस करते हैं. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.